ये भाई फल भाइयों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे आपको पता था कि हमारा लास्ट वीक जो सैटरडे का है, अभी जो आपका लास्ट सैटरडे का है, तो उसमें हमारा टूर्नामेंट था मैच का। जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिस सीजन दिखाया था अपना, तो ये हमारा माशाल्लाह से मैच बहुत अच्छा गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसके विनर्स हैं। तो आपको मैं पूरी स्टोरी शॉर्ट करके बताता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो इस तरह का सीन था कि हमने, जैसा कि पता है आपको, हमने बहुत ट्रेनिंग करी थी भाई, बहुत प्रैक्टिस करी थी जीतने की। तो इंटर क्लास का ही मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो स्टार्टिंग से ये था कि हमारे साथ हमारे सर भी थे, सर शम्स, उन्होंने हमें, वो भी हमें स्टार्टिंग सपोर्ट करते हुए आए थे। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे ग्राउंड से, अभी ग्राउंड में हम लोग पहुँचे। तो ग्राउंड के आप देखें कि हमने ग्राउंड में भी हमने प्रैक्टिस थोड़ी शुरू करी कि हम लोग बॉलिंग वॉलिंग करवाएं, थोड़ी बैटिंग करें कि हमारा जो है ना थोड़ा हाथ वाथ खुल जाए, थोड़ा सा सेट हो जाए हम लोग। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये आज हमारा मैच डे है। आप तक देख सकते हो ये ग्राउंड कच्ची मेमन ग्राउंड है, यहाँ पर सब लोग ये प्रैक्टिस वैक्टिस वार्म अप चल रहा है। यहाँ पर टेपों का भी चाया जाए, वहाँ सब टीमें आ चुकी हैं, 6 सेक्शन हैं टोटल। तो आज का सिस्टम हाई लग रहा है, इंशाल्लाह फिर देखो मैचेस की अपडेट मिलती रहेगी आप लोगों को। तो फिर उसके बाद सबसे पहला मैच हुआ फर्स्ट ईयर कॉमर्स ए का, सेकंड ईयर कॉमर्स बी, सेकंड ईयर कॉमर्स ए के साथ हुआ। तो उन लोगों का भी बहुत टफ मैच था, बहुत अच्छा मैच था, दोनों ने बहुत अच्छा खेला, दोनों की टीम एवरेज थी, दोनों ने अच्छा खेला, लेकिन हम फर्स्ट सेकेंड ईयर कॉमर्स ए जीत गई। फिर सेकेंडली फिर और मैचेस हुए, फिर इस तरह हमारा थर्ड मैच हुआ सेकेंड ईयर कॉमर्स ए से, सेकेंड ईयर कॉमर्स ए और सेकेंड ईयर कॉमर्स बी। तो इधर हमारा मैच हुआ, तो हमने पहले ही सेलेक्ट करा हुआ था कि हमें बॉलिंग लेनी है, क्योंकि बॉलिंग हम लोग, क्योंकि हमारी बॉलिंग पावर हमारी अच्छी थी, बैटिंग भी हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन बॉलिंग बॉलर जो हमारे पास थे वो बहुत अच्छे थे। तो हमने बोला कि हम लोग बॉलिंग लेते, तो हमने बॉलिंग ली। तो हमने कोई उनके उन्होंने हमें 4 ओवर में टारगेट दिया, और उन्होंने हमें कोई 53 रन का 57 रन का ऐसा कोई टारगेट दिया, उन्होंने टारगेट दिया हमें। तो फिर उसके बाद हमारे दो ओपनर बैट्समैन ही हमारे मेन थे, बाकी और भी बैट्समैन थे, कोई ऐसी इशू नहीं है, लेकिन हमने दो ओपनर सेलेक्ट करे थे, हसीब और मोहित। सही है, और दोनों ओपनर माशाल्लाह से VIP ओपनर थे। तो आपको ये थोड़े बहुत शॉट्स दिखाता हूँ, आप ये फर्स्ट पहले मैच के देखें। अभी हमने फुल एफर्ट्स करके जो भी करके 52 चार ओवर में 52 रन दिए। अभी अब देखें हमारी बैटिंग है, इंशाल्लाह ओपनर हसीब गए और मोहित और हसीब गए ओपनर। देखते हैं फिर अभी इंशाल्लाह क्या होता है। अभी हमारे प्लेयर्स आए बैठे हुए, हमें फुल एफर्ट्स लगा के जीतना है, कुछ भी करेंगे इंशाल्लाह कि अपने फिर सेकंड मैच भी खेलना है, क्योंकि अपने को इंशाल्लाह बस बिस्मिल्लाह होगा ही ये। और ये पहली बॉल पे ही बेहतरीन छक्का दे दिया आसिफ ने भाई, बेहतरीन हो गया ये, एंड कर दिया आसिफ ने। तीन पे तीन 6 मार दिए भाई, बॉलें जाई जा रही हैं, बहुत बेहतरीन सीन है ये, आप देख सकते हैं हमारी बैटिंग, हमारे फील्डर्स बैठे हुए हैं। मोहित आ गया है बॉलिंग बैटिंग पे, अब स्ट्राइक मोहित करेगा। बेहतरीन हो गया भाई। तो इन्होंने जो है ना, ये कोई 2.5 ओवर के अंदर ही हमने मैच खत्म कर दिया था, 57 रन का टारगेट था। तो ये पहले ओवर में ही 4 छक्के मार दिए थे हमने, तो माशाल्लाह से। फिर उसके बाद दूसरा ओवर भी हमने निकाला छक्के चौके में, इस तरह करके हमने 2.5 ओवर में मैच खत्म कर दिया हमने पूरा। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की बैटिंग आई, इंजीनियरिंग वालों का मैच था, दूसरे फर्स्ट ईयर वालों के आपस में हुआ। फिर फर्स्ट ईयर वालों की जो विनिंग टीम थी हमारी इंजीनियरिंग के साथ हुई, इंजीनियरिंग भी बहुत टफ कॉम्पिटिशन लिया, उन्होंने बहुत अच्छा खेला कि उन्होंने भी लास्ट तीन बॉलों पर 18 रन चाहिए थे, तो उन्होंने 2 बॉलों पर लगातार 2 छक्के मारे, लास्ट बॉल पर 7 रन चाहिए थे, तो 19 चाहिए था, अब आखिरी बॉल पे 7 रन चाहिए थे। अब ये तो बहुत मुश्किल था, पर क्या नाम है, जो बंदे रहता है ना उसने 9 बॉल करवा दी, और बंदे ने ऐसा क्लास शॉट मारा सीधा छक्का 9 बॉल पे, तो इसी तरह इंजीनियरिंग फाइनल में आ गए। फिर हमारा और इंजीनियरिंग का मैच हुआ, हमारे असल में बॉलिंग पावर, जैसे हमने आपको बताया कि, और माशाल्लाह से हमारा लक चल रहा था कि हम लोग दोनों बार मैच, 2 मैच हुए हमारे टोटल, और दोनों हम लोग टॉस जीते। वापस एक ओवर हम टॉस जीत गए, हम लोग शायद बॉलिंग लेने की सोच रहे हैं। बॉलिंग करो, बैटिंग में लोग जाएंगे, लेकिन मेरे साथ फाइनल है। जो हमने किया है ना वो हमारी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। किधर भाई, हम लोग टॉस जीत चुके हैं। हाँ
टॉस जीत चुके हैं हम लोग, डिसीजन हो रहा है फिर देखते सिलेक्ट। बॉलिंग का ही ज़्यादा चांसेस हैं, तो हमने वापस फील्ड करी उन लोगों के बॉल, उन लोगों की बैट्समैन को हम बॉल ऐसी दे रहे थे कि यार वो रन नहीं बना पा रहे थे, तो हमने उन्होंने हमें कोई टारगेट दिया 27 रखा, उनकी बैटिंग अच्छी थी लेकिन हमने हमारी बॉलिंग पावर अच्छी थी तो हमने उन्हें रन बनाने दे दिए। तो फिर इसी तरह जो है ना ये हमारे फिर गए दोनों ओपनर, जैसा कि मैंने आपको बताया हसीब और मोहित ये दोनों ओपनर गए, इन दोनों ने कोई 1.3 ओवर एक ओवर तीन बॉलों में मैच ख़त्म कर दिया, 27 रन का टारगेट था। तो पहले मैं बताऊँ आपको छक्के छक्के लगे, आप दूसरे मैच में देखें ये बेहतरीन मोहित का ये सबसे लॉन्गेस्ट छक्का था, ये आपको छक्का दिखा रहा हूँ, ये सही बहुत सबसे लंबा छक्का मोहित ने मारा था। तो ये फिर ये हमारा ये मैच हुआ, और बाकी अब ये हमारे विनिंग मूवमेंट चेक करें कि हम लोग भाई बहुत एक्साइटेड थे, तो मैं पहले ही पहुंच गया था जगह पे भाई, क्योंकि हम लोग पता था आखिरी बॉल हमने शॉट मारा चौका हुआ हम लोग जीते, सबको सब इस पे पूरी टीम की पूरी मतलब यूनिटी है कि भाई सबने एक दूसरे की तरह हेल्प करा। शाबाश बेहतरीन, हम लोग जीतने वाले हैं माशाल्लाह से, दो रन चाहिए थे और ये विनिंग शॉट, ये ये विनिंग शॉट चौका मारा बंदे ने भाई, बेहतरीन इंटर क्लास टूर्नामेंट तो हो गया अपना भाई। फिर उसके बाद दोपहर को हमने अपने एक्साइटमेंट करी फुल, हमने अल्लाह गुल्ला करा फुल, VIP हमने सीन करा। फिर उसके बाद हमारे कॉलेज वालों की तरफ से भी हमें कॉलेज में अपना सेलिब्रेट करना था, दोस्तों अपने क्लासमेट्स को ट्रीट देनी थी एक समझ लें आप, तो उन्होंने बोला था, तो हमारे स्पेसिफिक हमारे टीम के मेंबर शाहन कामरान तो उसने अपनी तरफ से केक कर लिया कि वो केक लिया है, तो फिर हमने अपनी क्लास से केक कट पाया और फिर हमने अपनी क्लास कॉलेज में सेलिब्रेट करा। अपनी साइड टीचर से इजाज़त मिल गई थी हमें, ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अगर उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अभी इस बार अभी हमारा जल्दी अभी हमारा जो है इंटर क्लास फुटबॉल भी आने वाला है, तो इंशाल्लाह वो भी हमारा इंशाल्लाह ताला वो भी हमारा होगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपको ज़रूर मिल जाएगा, उसका ब्लॉग भी पूरी कोशिश करेगा आपका भाई, मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आपको वो भी ब्लॉग दिखाऊँ। तो ओके इसी तरह इजाज़त दें अपने भाई को, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।